अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दें, आमीन या रब्बिल आलमीन। चले जी, अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत मज़ेदार सी एक बेकरी और बहुत ज़बरदस्त इसके रशियन सैलेड हमने खाया और बहुत मज़े का लगा। और सब जानते हैं रहमत शीरी को बहुत अच्छी तरीके से, और इसकी ब्रांच जो है वो शाह फैसल में है। और बस ऐसे ही दिल चाह रहा था बाहर निकलने का, और रात बहुत हो गई थी और हम चले गए शाह फैसल। वहाँ हमने देखा रहमती शीरी, और इसकी मिठाइयाँ भी बहुत पसंद है हम लोगों को। लेकिन हमने फ़र्स्ट टाइम इसकी रशियन सैलेड को जो है ना ट्राई किया और बहुत मज़े की लगी। और हमने इनसे ली खीर दानेदार, उन्होंने बोला दानेदार खीर है, बहुत मज़े की है। वो भी बहुत मज़े की थी। सबसे बड़ी बात है खीर में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, खीर मुझे थोड़ी सी फीकी पसंद है, मतलब कम चीनी वाली, तो वो वैसे ही थी और बहुत मज़े की थी। खैर बस फिर हमने वहाँ से खीर ली और हम इतना मीठा खा के क्या करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, इतना मीठा खा के क्या करेंगे? सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक है। इतना मीठा खा के क्या करेंगे आप? देख, आराम से चेक करें, बना दो। पर नींद आएगी ना? ये मुझे। फिर हमने खीर ली और यहाँ से हमने रशियन सैलेड ली, पापे लिए, बिस्किट्स लिए खाने के लिए, और फिर बहुत मज़ा आया यहाँ पर हमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखें आप, दानेदार खीर वो पैक कर रहे थे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खा रहे थे, बच्चे तो सो गए थे दोनों। और बस मैंने कहा चले व्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि सब बहुत आया यहाँ पर। और हमने बहुत सारी जो है ना चीज़ें इंजॉय करी। उसके बाद जो है मैं वीडियो बनाने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुकान के जो सर्वेंट्स थे, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। और जो लोग कोऑपरेट करते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कि एक जगह और गए थे तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि नहीं आप सुबह आइएगा और ये और वो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए यार, कोऑपरेट करना चाहिए। और इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, सफाई बहुत थी यहाँ पर और बहुत अच्छी बेकरी, बहुत अच्छे लोग, अमला बहुत अच्छा यहाँ का, और बहुत मज़ा आया। बस फिर हमने इनके कैश काउंटर वाले भाई से पूछा कि ये दुकान कितनी पुरानी है और कितना टाइम हो गया उनको, चले देखें उनसे बात करते हैं और वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये दुकान कितनी पुरानी है। बस जी, ये मिठाइयाँ शिठाइयाँ सब चीज़ें बड़े मज़े मज़े की, और बेकरी आइटम्स भी बड़े मज़े के थे, परफ्यूम्स रखे हुए थे, और बर्थडे कॉर्नर भी बना हुआ था यहाँ पर। और ये इनके आई थिंक कार्ड्स थे, सर्टिफिकेट्स थे जो उनको मिले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तेज़ बोलिए भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। कब से कार्ड कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए हैं। आई थिंक इसको 3 ईयर हो गए हैं यहाँ पे, 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। 3 साल? 3 साल। वैसे रहमत श्री के नाम को तो काफ़ी टाइम हो गया। जी, रहमत श्री के नाम को तो काफ़ी टाइम हो गया। सबसे जो पुरानी ब्रांच है हमारी वो तारिक रोड ब्रांच है, तारिक रोड पर देखी होगी आप। बस जो इनका आउटलेट है वहीं पे। जी जी, वहाँ पर। उसके बाद फिर काफ़ी ब्रांच है, 12 से 13। 20 साल हो गए होंगे। 28 साल आई थिंक। तो ये तकरीबन कितना टाइम है? 2 साल यहाँ पर, 3 साल हो गए। तो ये कितने बजे सुबह ऑन होती है और शाम सुबह 8 बजे ऑन होती है और ये रात के 2 बजे ऑन। अच्छा, इसका सही से आप एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पर एड्रेस है आप शाह फैसल शमा शॉपिंग सेंटर के सामने है, बिल्कुल शमा शॉपिंग सेंटर के हवाले से ज़्यादा मशहूर। क्या चीज़ इस दुकान की ज़्यादा मशहूर? हमारे यहाँ की जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो कुल्फी फालूदा है। वो तो है, इसके अलावा? इसके अलावा फिर अगर मिठाई की तरफ आते हैं तो मिठाई की तरफ हमारे पास रेम्बो कलाकंद है, सोनी कलाकंद है। अच्छा। ये यहाँ की बहुत फेमस मिठाई है। अच्छा, तकरीबन मैं जहाँ समझता हूँ हर चीज़ ही फेमस है। जी जी, तकरीबन हर चीज़। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you.
अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स क्या करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बाय बाय।